मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज जानेंगे हम कि आखिर कौन है ये स्टाइलिश गैंगस्टर। बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने 2008 में 10 मोस्ट वांटेड भगोड़ों की लिस्ट निकाली थी, जिसमें मैटियो मेसिना का नाम भी शामिल था। मैटियो वैसे तो अपना नाम एक इटालियन कॉमिक कैरेक्टर के साथ शेयर करता है, मगर माफिया वर्ल्ड में इसका नाम उससे भी ज्यादा फेमस है। अगर किसी को मॉडर्न वर्ल्ड का गॉडफादर कहा जा सकता है तो वो मैटियो ही है। इटालियन माफिया कोसा नोस्ट्रा का द मोस्ट स्टाइलिश लीडर मैटियो पिछले 25 सालों से मोस्ट वांटेड की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। मैटियो ने इतने क्राइम किए हैं जो शायद ही कोई समझ पाएगा। जितनी दौलत मैटियो के पास है उतनी ही बददुआएं लेकर मैटियो जी रहा है, लेकिन उसका नाम इसीलिए भी फेमस है क्योंकि उसने कभी भी अपनी आइडेंटिटी या अपना काम किसी से छुपाया नहीं। वो हमेशा से ही एक चार्मिंग गैंगस्टर रहा है, जिसकी बहुत ही सुंदर पिक्चर्स टीवी न्यूज चैनल्स पर, न्यूज़पेपर्स पर और मैगजीन्स तक में आया करती थी। दरअसल गॉडफादर मूवी के लीड का जो अंदाज था वैसे ही कुछ उसका अंदाज है। उसकी एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो तो उसकी मैगजीन के कवर के फोटोशूट पर जैसी लगती है। इस फोटो में काले घने बाल और वो राउंड एविगेटर पैशन की नुमाइश करते साफ दिख रहे हैं। ये ग्लासेस लग्जरी ब्रांड प्राडा के बताए गए हैं। और तो और दोस्तों, मैटियो ने इस पिक्चर में एक सूट पहना है और एक मफलर भी अपने नेक पर डाला हुआ है। मैटियो का लुक काफी ज्यादा फेमस है, जिससे साफ पता चलता है कि उसने जितने बड़े बड़े मर्डर्स किए हैं उतने ही उसने पैसे भी उड़ाए हैं। उसे हमेशा से ही डिजाइनर क्लोथ पहनने का शौक था और तो और लग्जरी कार्स भी तेज गति में दौड़ाने का क्रेज भी था, और यही सब तो उसको स्टाइलिश माफिया किंग बनाता है। मर्डर्स, बॉम्ब ब्लास्ट प्लानिंग्स, एक्सटॉर्शन मनी और इन सब के बीच उसका विलास और बंगलोज चेंज करने का शौक हर जगह फेमस था। मैटियो हमेशा गर्लफ्रेंड्स भी सुंदर और अमीर बनाया करता था और कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद पैसा लेकर निकल जाता था। स्टाइलिश गैंगस्टर को बहुत बार पकड़ने की कोशिश की गई है, मगर हर बार वो चकमा देने में कामयाब हो जाता है। तो दोस्तों, बस संजय दत्त का कैरेक्टर खलनायक 2 में ही कुछ ऐसे होने वाला है। संजय वैसे अपनी विमेनाइजिंग इमेज को लेकर फेमस तो है ही, तो क्या पता इस बार मैटियो से इंस्पायर होकर उनका कैरेक्टर सेट किया जाए। दोस्तों, आज की वीडियो फिलहाल बस इतनी ही। आप लोग बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर है प्रतिमा।